नमस्कार, मैं मयूरी और मैं बनाने जा रही हूँ लसनिया आलू पराठा। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, एक छोटा चम्मच सौंफ, मैश्ड पटेटो, एक ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, एक छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, दो टेबलस्पून तेल, नमक स्वाद अनुसार, दो बोल व्हीट फ्लार गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। पराठा बनाने के लिए हमें जो आटा चाहिए, ये देखिए दो बोल आटा लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट अनुसार डालेंगे और इस आटे को आप रोटी के आटे की तरह गूंथ लें। चलिए अब स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड और मैश्ड पटेटो। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक टेस्ट के अनुसार और एक छोटा चम्मच नींबू का रस। चलिए इसे हम मैश करते हैं। ये देखिए आलू का मिक्सचर जो है तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हम गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे कॉर्सली ग्राउंड किया हुआ। अब इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। इसमें जो गार्लिक और सौंफ का टेस्ट है बहुत बढ़िया लगता है। चलिए ये हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार है। अब हम पराठा बनाएंगे। ये आटा हमने पहले से ही गूंधा हुआ रखा है। अब हम इसमें रोल करेंगे और स्टफिंग करेंगे। इसे चारों तरफ से पैक कर लें। पहले हाथ से थोड़ा पैट कर लें इसे, ताकि आपका पराठा फटे नहीं, मिक्सचर बाहर ना निकले। अब इसे थोड़ा रोल कर लेंगे। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब इसे हम सेकेंगे। ये बन गया हमारा लसनिया आलू पराठा।